आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, आप सब कैसे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं रिक्वच। ये उड़द दाल और चने की दाल से बनती है सब्जी, तो बड़ी टेस्टी बनती है। और चलिए आप भी देख लीजिए। इससे पहले हम बनाएं, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हम बनाने के लिए रिक्वच, ठीक है, सब्जी बनाने के लिए। तो चलिए देख लीजिए। ये देखिए, रिक्वच बनाने के लिए मैंने इस कटोरी से एक कटोरी चने की दाल और एक कटोरी उड़द की दाल लिया है। तो ये 4 घंटे पहले मैंने इसको फुलो दिया था और इसको धुल करके छान के रख दिया। अब इसके मैं ग्राइंड करूँगी और ये चने की दाल को भी दोनों इकट्ठे ही हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। और एक मैंने छोटा प्याज लिया है कट करके, और ये जो है 3 टमाटर है, और इसमें हमने गर्म मसाला थोड़ा डालना है। तो 2 इलायची है, 2 लौंग है, 1 जावित्री है, 1 जो है तेज पत्ता है, और 6-7 जो है काली मिर्च है। तो इसको हम जब टमाटर ग्राइंड करेंगे तो उसी के साथ जो है हम पीस लेंगे, क्योंकि इसमें गर्म मसाला पड़ता है। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले चने की दाल को, ये चने की दाल को हम इसमें ग्राइंड करने के लिए डाल देंगे। इसकी सब्जी बहुत, ये देखिए उड़द का दाल है, दोनों हम मिक्स करके पीस ले। इसके पीसते समय हम 2 इसमें मिर्च डालेंगे, 6-7 लहसुन की कलियां डालेंगे, और अदरक के टुकड़े ये मैं डालूंगी। इसके अलावा चने की दाल उड़द की दाल पीसते समय हम हींग डालेंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, ठीक है। देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम इसकी हम सब्जी बनाएंगे। देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको चने की दाल और उड़द की दाल को थोड़ा सा मैंने प्याज लहसुन और अदरक इसमें डाला है, लेकिन अभी हमने इसमें नमक नहीं मिलाया है। अब इसमें हम नमक मिला देंगे, नमक मिला देंगे और थोड़ा सा हल्दी मिला देंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसको हम फेंट लेंगे। हींग मैंने पीसते समय डाल दिया था। अब इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे। क्या है, तेल गरम हो गया है, अब हम जो है ये पकौड़ी बना के इसमें डालें। इसमें मैंने थोड़ा सा मेथी डालना है, थोड़ा सा मेथी डालेंगे हम। सबसे पहले मेथी का दाना, और इसके बाद जो है हम इलायची, तेज पत्ता डालेंगे, इसमें मैंने 3 टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट पीस दिया है, और इसमें थोड़ा सा हींग डाल दूंगी और कस्तूरी मेथी डाल दूंगी। इसमें हल्दी डालेंगे,
धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, और गरम मसाला डालेंगे, और ये हम नमक डाल देंगे। देखिए मसाला मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है, तेल अलग हो गया है, मसाला मेरा भून के तैयार हो गया। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डाल करके ढक दें। अब इसको हम ढक देंगे, हम तो मिर्च डाल देंगे, ये पानी हमारा सब्जी बॉयल होने लगा है। अब हम इसको एक एक करके डाल देंगे। इसको ताजी भरी की सब्जी भी बोलते हैं और इकवच भी बोलते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है, इसे आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। ये देखिए हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है रिक्वेस्ट, और ऊपर से हम ये धनिया डाल देंगे। ये देखिए हमारी ये चने की दाल और उड़द की दाल से रिक्वेस्ट बनकर तैयार हो गई ये सब्जी, और ये ताजी बरी की सब्जी भी बोलते हैं और रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है, आप बनाइए और बना के खाइए। और ये आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कैसा लगा और खाने में कैसा लगेगा। आप बनाइए और बना करके मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हमें अगले वीडियो में, तो ठीक है।
हूँ।